आजो आजो अडीन आजो दे हाँ सोशल बेस तारीख को हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आया था जिसमें कि हमारे डीजी साहब के नाम का यूज़ करके एक फेसबुक आईडी बनाई गई थी और उस फेसबुक आईडी ने एक महिला है उनसे चैटिंग की। चैटिंग के दौरान उसने 50,000 रुपए की डिमांड की। जब महिला ने उन्हें मना कर दिया पैसे देने से तो उसने उन्हें धमकियाँ भी दी और धमकियों में भी मारने की धमकी भी दी, एनकाउंटर करा देंगे इस तरह की धमकी दी, पुलिस को पीछे लगा देंगे इस तरह की बातें कहीं। तो महिला निश्चित रूप से काफ़ी भयभीत हुई कि स्टेट के राजस्थान के जो हमारे डीजी हैं उनकी तरफ से ऐसी धमकी मिल रही है। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई फेक आईडी है और मैं किसी जाल में फंस गई हूँ। इसके बाद उन्होंने अलवर गेट थाने पर जाकर के 15 तारीख को पुलिस को सूचना दी। उस सूचना पर तुरंत ही एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद में हमने ट्रैक करते हुए लगभग 24 घंटे में ही इस बात का पता लगा लिया था कि ये आईडी मूलतः किसकी, क्योंकि आईडी फेक आईडी बाद में है, पहले इस आईडी को हैक किया गया है। ये आईडी उनके ही एक फ्रेंड ग्रुप के किसी व्यक्ति की आईडी हुआ करती थी जिसको कि इस अपराधी ने हैक किया और हैक करने के बाद में उसमें नाम चेंज कर दिया, फ़ोटो चेंज कर दी और फिर उसमें इस महिला को धमकी देने का काम किया गया। मूलतः ये आईडी जिसकी थी उस व्यक्ति को हम पहले दिन ही ले आए थे, लेकिन उनसे बात करने पर हमें पता चला कि वाकई में वो व्यक्ति ऐसी कोई मैसेज नहीं भेज रहे थे बल्कि उनकी आईडी हैक करके कोई अन्य व्यक्ति ही इस काम को कर रहा था। उसके बाद में हमने अपने जो हमारे ATS और SOG हैं उनके अधिकारियों की मदद ली, क्योंकि फेसबुक से डेटा प्राप्त करने की प्रोसेस में जो एजेंसीज हमारी हैं ये लगातार उनसे संपर्क में रहती हैं फेसबुक के ऑफिसर्स से, इसलिए हमें उनके माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पर आज हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति है नरपत सिंह नाम है इसका, बीकानेर का रहने वाला है। ये व्यक्ति है जिसने कि इस आईडी को हैक किया और हैक करने के बाद में ये कन्वर्सेशन के दौरान पैसों की मांग की और धमकियां दी।